<applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى اله وصحبه البررة المتقين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. معز السامعين وناظرين शरीत इस्लामिया में कुर्बानी एक अज़ीम शान इबादत है और इबादत की खूबी और शान बल्कि उसकी जान ये है कि वह इबादत अल्लाह ताला को पसंद आ जाए वो इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो और बंदा उसके उखरवी मनाफे व फवाद और अजर सवाब से बहरावर हो इसी वजह से हर बंदे मोमिन की ये फ़िक्र और कोशिश होनी चाहिए कि वो इस हवाले से मुतफ़िर हो कि जो इबादत में अंजाम दे रहा हूँ जो नमाजे में पढ़ रहा हूँ रोज़े रख रहा हूँ ज़क़़त अदा कर रहा हूँ दीगर इबादत में कर रहा हूँ मैं क़ुरबानी कर रहा हूँ क्या वो इबादत इसकाबिल हैं कि वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो उसमें कोई ख़राबी कोई कमी व कोताही ऐसी तो नहीं जिसकी वजह से वो अल्लाह के यहाँ से रद्द हो जाए कबूल ही ना हो बहुत ही बड़े खसारे और नुकसान की बात है कि आदमी ज़िंदगी भर इबादत करता रहे ज़िंदगी भर कुर्बानी करता रहे लेकिन अल्लाह के यहाँ वो कबूल ही ना हो आखिरत में उसके हिसाब में कुछ भी दर्ज ना हो बहुत ही ज़्यादा अफसोस का मकाम है ये इसलिए हर बंदे मोमिन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी इबादत का जायज़ा लेते रहे कि क्या मेरी इबादत शरीयत के अहकाम और उसकी तलीमत के मुताबिक है या नहीं तो कुर्बानी समेत तमाम इबादतों नमाज रोज़ा हज ज़क़़़़़त इसी तरीके से कुर्बानी के लिए बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है तीन शराइत ऐसी हैं जिनका पाया जाना हर इबादत की कबूलियत के लिए नागजीर और ज़रूरी है क्या है वो शराइत? पहली शर्त और पहली चीज़ ये है कि ईमान के साथ हो कोई भी अमल हो ईमान के साथ हो शरीयत के अंदर ईमान एक बुनियाद की हैसियत रखता है हर जगह मन आमिला सौल हम जक़कर अउुंसा वह अमिन आमनुमान शर्त अलिन है इसी वजह से काफ़िर शख्स की कोई इबादत कबूल नहीं उसकी कुर्बानी कबूल नहीं अगर काफिर कुर्बानी कर रहा है उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ बिल्कुल कबूल नहीं हाँ उसके आमाल जो अच्छे हो बज़ाहिर दुनियावी अतबार से अल्लाह ताला उसको दुनिया में उसका अजर दे देते हैं तो बुनियादी शर्त और पहली शर्त है वो कोई भी अमल हो बंद मोमिन का उसके साथ ईमान मौजूद हो जब भी उसका अतबार होगा दूसरी चीज़ और दूसरी शर्त वो अमल जो बंद मोमिन अंजाम दे रहा है वो शरीयत की तालीमत और उसके अहकाम के मुताबिक हो हर वो अमल जो शरीयत के हुक्म उसकी तालीमत के मुखालिफ होगा उसके खिलाफ होगा वो अल्लाह के या कबूल नहीं इसलिए हर बंद मोमिन की ये जिम्मेदारी है कि वो मालूम करे कि जो काम जो अमल में अंजाम दे रहा हूँ क्या ये शरीयत के मुताबिक है या शरीयत के मारज़ व मुखालिफ है उसके लिए किताब व सुनत से रजू करे दीन की तरफ रजू करे और सही मसाइल और सही तरीक़े उनसे मालूम करके वो इबादत किस तरीके से अंजाम देने से शरीयत की तालीमत के मुताबिक होगी उसकी वो फ़िक्र करे तो दूसरी शर्त शरीत की तालीमत के मुताबिक इबादत की अंजाम हो तीसरी शर्त इबादत की कबूलियत के लिए यह है कि उसके अंदर इखलास हो इखलास के अलावा जो अमल उसके बग़ैर जो अमल बंदे से इनका सजूर होता है वो अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं होती बल्कि वो इबादत कहे जाने के काबिल ही नहीं वो इबादत ही नहीं जिसके अंदर नाम व नमूद और रियाकारी और दिखलावा हो तो हर वो इबादत जिसके अंदर इखलास ना हो नाम व नमूद हो रियाकारी हो दिखलावा हो वो अल्लाह के या कबूल नहीं होती तो ये भी एक शर्त है कि इबादत की कबूलियत के लिए बंदे के अंदर इखलास हो कुर्बानी कर रहा है उसके अंदर इखलास हो दिखलावे के लिए ना हो अल्लाह के लिए खालिस उसी के हुक्म की फर्मा बरदारी करते हुए बजा और के तौर पर वो कुर्बानी करे शैतान की तो अव्वली कोशिश और उसकी तो पूरी मेहनत उसी पर शर्फ़ होती है कि बंदा तो अवल वहले में इबादत के करीब ही ना हो पाए अमल साले से करीब ही ना हो पाए लेकिन जब वो शैतान देखता है कि तो इबादत से करीब हो गया इबादत अंजाम दे रहा है फिर वो दूसरा हरबा इख्तियार करता है वो अपना हथियार बदलता है अब वो चाहता है कि उसको गलत रास्ते की तरफ इसे मोड़ दिया जाए शरीयत के तालिमात के मुताबिक ये करने ना पाए फिर इस चीज़ की वो कोशिश करता है अगर ये भी ना हो सके तो फिर शैतान कर कम से कम उसके अंदर रियाकारी नाम और नमूद और दिखलावा जैसी चीज़ें दाखिल कर दो और ये शहरत के चक्कर में आकर इबादत को ख़राब करने पर उतर आए ये शैतान की कोशिश और फ़िक्र होती है इसलिए एक बंद मोमिन की ये फ़िक्र होनी चाहिए कि वो जो भी इबादत वो कर रहा है बुनियादी शर्त तो ईमान है ही उसके साथ वो इबादत शरीयत की तालीमत उसके अहकाम के मुताबिक हो वो इखलास के साथ हो रियाकारी कारी नाम वनूद शुमा और इश्तिहार और लोगों को दिखलाना ये सारी चीज़ें उसके अंदर ना हो तो बुनियादी तौर पर कुर्बानी के हवाले से दो चीज़ें आप याद रखें कि कुर्बानी के लिए सबसे पहली चीज़ कुर्बानी को शरीयत के अहकाम के मुताबिक उसकी तलीमत के मुताबिक कुर्बानी करें कुर्बानी के ज़रूरी मसाइल मा से सीखें मालूम करें बहुत सारे लोग होते हैं जो कुर्बानी के ज़रूरी मसाइल से नावफ होते हैं कुर्बानी के अंदर शिरकत के मसाइल ज़रूरी दीगर मसाइल मा से मालूम करना एक बंद मोमिन और मुसलमान की जिम्मेदारी है बसा अवतारत एक जानवर में कई लोग शर्क हो जाते हैं तो ने मस, अला लिखा है कि अगर किसी जानवर में सात लोग शरीक हैं मिसाल के तौर पर सातों में से किसी एक की नीयत भी अगर गोश्त खाने की हो इखलास ना हो सब की कुर्बानी ज़ाय और बेकार किसी को अज़र सवाब कुछ नहीं मिलेगा तो इंतहाई नाजुक हसास मसला है इन मसाइल को कोलमाए किराम की तरफ रुजू करके सीखना इंतहाई ज़रूरी व नागजीर है दूसरी चीज़ कुर्बानी के हवाले से बहुत अहम है कि इखलास हो कुर्बानी के अंदर अल्लाह ताला दिलों का तकवा चाहता है लना लुहुमा वला दिमा वला कि ना लु तकवा मिनकुम तो रियाकारी दिखलावा डेढ़ लाख दो लाख पाँच लाख का जानवर ले लिया फ़ोटो खींच लिया वीडियो बनाकर जो आपने शेयर कर दिया सारी इबादत और ये क़ुरबानी उसकी रूह खत्म हो गई रियाकारी आ गई उसमें वो रियाकारी वाला अमल अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं होता है तो इसलिए कुर्बानी के ज़रूरी मसाइल एक मुसलमान सीखे रियाकारी और नाम नमूद से दूर रहे और ख़ालस अल्लाह के लिए वो कुर्बानी करे दीगर इबादतों को भी इसी तरीक़े से अंजाम देने की कोशिश करे अल्लाह ताला हमें दीन के अहकाम को समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तोफ़ी क़ा फ़रमाए व् वसम अला नबीना महमद व आलि व अजमाइन